Now we will study generalized master theorem. So this theorem is given by Corman and Tn here is defined as let Tn be defined on non-negative इंटीजर्स यानी टीएन जो है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन के लिए डिफाइंड है और टीएन का जो जनरल फॉर्म है वो कैसा है इस जनरलाइज्ड मास्टर थ्योरम के लिए टीएन इज ऑफ द फॉर्म ए इंटू टी एन बाई बी प्लस एफ एन एफ एन इज सम फंक्शन ऑफ एन लाइक टू एन क्यूब एन लॉग एन इट कुड बी एनीथिंग इट इज फंक्शन ऑफ एन तो हियर ऑल्सो जैसा कि बेसिक मास्टर थ्योरम में था वैसे यहां भी हमें ए और बी कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है डिफाइन करनी है तो ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो सो दैट दिस टर्म इज नॉट एलिमिनेटेड एंड बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू सो दैट एटलीस्ट देयर आर टू सब प्रॉब्लम ऑफ द मेन प्रॉब्लम तो इसलिए तभी जाके डिवाइड एंड कॉन्कर हो पाएगा तो इसके ये हमारा जनरल फंक्शन है आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट केसेज हियर आर आल्सो थ्री केसेज फर्स्ट वन इज दैट इफ fn इज इक्वल टू बिग ओ एफ एन इज इक्वल टू बी ये दिस इज अंडर कंडीशन इफ में है ये तो ये हमें कंपेयर करना है कि जो एफ एन फंक्शन है वो बिग ओ ऑफ एन टू द पावर लॉग ए माइनस एप्साइलन बेस बी ये लॉग ए माइनस एप्साइलन बेस बी जो है ये एन टू द पावर में है तो अगर ऐसा है एंड फॉर एनी एप्साइलन एप्साइलन इज कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन जीरो एप्साइलन इज कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो दैट इज इट कुड बी वन टू थ्री अप टू सो ऑन बट वी विल सिलेक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्साइलन विच इज वन तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो जो टीएन होगा टीएन विल बी थीटा n to the power log a base b will be the answer or solution of this recurrence. अभी हम ये भी समझेंगे हालांकि ये भी memorization based ही है तो memorization को भी easy कर लेंगे कि ये हम दो functions को compare कर रहे हैं यहां fn और यहां n to the power log a base b minus epsilon function को तो जो फंक्शन ग्रेटर होगा दैट विल कम इन द आंसर वही उसका टाइम होगा इसके बाद केस सेकंड इज दैट इफ एफ एन ध्यान दें यहां इफ है इसका मतलब वी आर कंपेयरिंग दीज टू फंक्शंस एफ एन इज इक्वल टू थीटा n to the power log a base b this is base b then tn is equal to theta multiplication of both theta n to the power log a base b and this whole is multiplied by log n base 2 this is the answer isi tarah se case थर्ड को भी हम देख लेते हैं तो केस थर्ड है केस थर्ड इज इफ एफ एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए प्लस एप्साइलन बेस बी and this is also for epsilon greater than 0
एंड यहां पे दो कंडीशन टेस्ट करनी है, एक तो एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन टू द पावर लॉग ए प्लस एप्साइलन बेस बी फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो एंड इफ ए इंटू एफ ऑफ एन बाई बी इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू एफ एन फॉर एनी कॉन्स्टेंट सी इज लेस देन वन एंड all sufficiently large value of n, तो इसका जो टाइम होगा then tn will be theta of fn. This will be the time. यहां पे tn ये है, यहां पे हमारा tn ये है और फर्स्ट केस में tn हमारा ये है. तो इसमें हम रफली ये देख लें कि यहां पे बिग ओ है, यहां पे थीटा है और यहां पे ओमेगा है. तो हमें पता है कि हम यहां पे दोनों फंक्शन fn और n टू द पावर log a बेस b हम तीनों ही केसेज में कंपेयर कर रहे हैं. तो हमें ये देखना है कि जो फंक्शन बड़ा है, बिग ओ का मतलब इट गिव्स अपर बाउंड. तो अगर ये अपर बाउंड दे रहा है तो इसका मतलब एफ एन छोटा है और थीटा इक्वल बाउंड दे रहा है लोअर और अपर, तो इसलिए एफ एन और थीटा इक्वल है. तो अगर यहां पे ये वाला फंक्शन ए टू द पावर बी बड़ा है तो इस केस में आपने देखा कि बड़ा वाला फंक्शन टाइम में आया है, ये सॉरी दिस एन टू द पावर लॉग ए बेस बी बड़ा आया है और यहां पे ओमेगा है, ओमेगा गिव्स लोअर बाउंड. तो लोअर बाउंड का मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन एफ एन, यानी कि यहां पे एफ एन बड़ा है. तो जो बड़ा इन दोनों में से विच एवर इज द लार्जर फंक्शन दैट विल कम इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो जैसे यहां पे एफ एन बड़ा है तो थर्ड केस में एफ एन इसके टाइम में आ गया है और इक्वल के केस में इनका मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर यानी इस फंक्शन का एन टू द पावर लॉग ए बी और लॉग एन का बेस टू पे मल्टीप्लीकेशन जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा. तो हम इस बात को लिख भी लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा, तो नोट करके हम इस बात को लिख लेते हैं. इन ईच केस वी आर comparing function fn with function n to the power log a base b and the solution is determined by the larger of two functions, यानी solution जो होगा वो larger इन दोनों में से जो larger function होगा वही solution में आएगा. जैसे कि first case की बात करें तो n to the power log a base b is larger, क्यों larger इसलिए है क्योंकि बिग ओ गिव्स लार्जर बाउंड, बिग ओ गिव्स लार्जर और अपर बाउंड. देन सोल्यूशन जो हमारा आया वो थीटा एन टू द पावर लॉग ए बेस बी आया क्योंकि हमारा ये वाला फंक्शन बड़ा था. इसी तरह से केस थर्ड की बात करें तो एफ एन इज लार्जर, एफ एन फंक्शन हमारा लार्जर है, एफ एन थर्ड केस में एफ एन लार्जर इसलिए है. आप देख सकते हैं केस थर्ड यहां पे है हमारा, क्योंकि ओमेगा लोअर बाउंड देता है तो लोअर वैल्यू देगा तो एफ एन हमारा लार्जर हो जाएगा. So
Fn is larger because omega gives lower bound. Lower bound means lower value. तो लोअर वैल्यू देगा तो हमारा यहाँ पे जो फंक्शन में आया लार्जर फंक्शन fn था तो इसलिए जो सोल्यूशन आया वो थीटा f ऑफ n आया। इसी तरह से केस टू की अगर हम बात करें तो टू फंक्शंस आर इक्वल। क्योंकि थीटा इज एट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में यहां पे आप देख सकते हैं केस थर्ड में थीटा है, सॉरी केस सेकेंड में यहां पे थीटा है और थीटा एफ एन के इक्वल हो रहा है तो इसलिए मल्टीप्लाई द लॉग, सो मल्टीप्लाई द लॉग फंक्शन, सो सोल्यूशन इज tn इज इक्वल टू थीटा n टू द पावर log a बेस b इंटू log n बेस 2। यानी कि यही चीज है हमारा थीटा fn इंटू log n बेस 2। हम दोनों में से किसी भी फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं ये log n बेस 2 से मल्टीप्लाई करके, या तो fn को या n टू द पावर log a बेस b को, दोनों से सेम आंसर आएगा। नाउ वी विल डू द एग्जांपल ऑफ दिस जनरलाइज्ड मास्टर थ्योरम। तो एग्जांपल इज दैट सॉल्व द रिकरेंस tn इज इक्वल टू 9 इंटू टी n बाई 3 प्लस n यूजिंग जनरलाइज्ड मास्टर थ्योरम। तो जनरलाइज्ड मास्टर थ्योरम को यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज्ड मास्टर थ्योरम का जो जनरल रिकरेंस इक्वेशन थी उसके साथ इसे हमें कंपेयर करना है। तो फर्स्ट टाइम के लिए हम जनरल रिकरेंस इक्वेशन को लिख लेते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू टी एन बाई बी प्लस एफ एन। अभी हमने जनरलाइज मास्टर थ्योरम की जो जनरल रिकरेंस इक्वेशन थी वो यही पढ़ी, तो इसके हिसाब से हम इसको कंपेयर करेंगे। देन आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3 एंड एफ एन इज इक्वल टू, एफ एन इज दिस एडिशन टर्म, एफ एन इज इक्वल टू एन। सो वी हैव गॉट दीज थ्री वैल्यूज। So, because we are comparing, we have seen that we are comparing a function fn with other function n to the power log a base b. So, first we will calculate that function n to the power log a base b. So, this is n to the power log a is 9, base b is 3. So, 3 is square. So it will be n square, which we can also say that this is order of n square, theta n square. Now we will compare, we will check for each case. So consider case first. Case first is if fn is equal to big O of n to the power log a minus epsilon base b for any value of epsilon greater than 0, so we will consider epsilon as 1. So fn is what? Fn is n, fn यहां पे given है, तो n इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n टू द पावर log a इज 9, वी आर कंसीडरिंग एप्साइलन एज 1 एंड b इज 3। सो दिस इज इफ कंडीशन,
ये हमें चेक करना है इफ क्या ये इक्वल है या नहीं। तो n इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n टू द पावर log 8 बेस 3। अब हमें ये देखना है कि ये यहां पे हमारा n है एग्जैक्टली, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी चाहिए log 8 बेस 3 पे क्या आएगा। पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्योंकि 9 से 1 कम है तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर जरूर आएगी, यानी log 8 बेस 3 कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। दिस विल रिजल्ट इनटू ग्रेटर देन 1 वैल्यू, क्योंकि अगर log 3 बेस 3 होता तो 1 आ जाता, तो ये 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी होगी तो उसका जो आंसर होगा वो 1 से ग्रेटर आएगा। 1 से ग्रेटर आने का मतलब कि ये वाली वैल्यू n जो है क्या है, n इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n टू द पावर 1. समथिंग हम कह सकते हैं n टू द पावर 1. समथिंग, तो ये ट्रू होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि दिस विल बी n टू द पावर 1. समथिंग 1.34 जो भी आएगा वो कैलकुलेट करने से पता चलेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यानी n स्क्वायर से छोटा सा थोड़ा कम होगा बट n टू द पावर 1 से ज्यादा होगा। तो इसको हम fn फंक्शन को लिख सकते हैं, जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते टाइम भी देखा था कि अगर इस तरह से होता है कि हम कहते हैं प्रूव दैट n belongs to या n is equal to big O of n square। हमने कई सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जैसे हम लिखते हैं n is equal to big O of n square का भी क्वेश्चन हमने किया था, तो ये कंडीशन ट्रू है यानी n belongs to big O of n square या n is equal to big O of n square। इससे ये पता चल रहा है कि this function is larger, तो ये n to the power log a base b is larger। तो आप देख सकते हैं इस केस में आंसर क्या आएगा। तो ये केस फर्स्ट था, हमने अभी जो कैलकुलेट किया है fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n टू द पावर a माइनस एप्सिलॉन बेस b फॉर एनी वैल्यू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो आंसर है हमारा tn इज इक्वल टू थीटा n टू द पावर log a बेस b। तो हम अब डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे और आंसर है tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b एंड विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ n टू द पावर log a इज 9 बेस b इज 3। तो ये हमारा हो गया थीटा ऑफ n स्क्वायर। सो वी कैन से दैट tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर इज द solution। Now let us do another example. Example 2, solve the recurrence tn is equal to t into 2n by 3 प्लस 1। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो जनरल रिकरेंस इक्वेशन थी ये हमारी गिवन है, आप देख सकते हैं टी एन इक्वल टू ए इंटू टी एन बाई बी प्लस एफ एन। तो इससे हमें ए बी और एफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहां से ए बी और एफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां देखिए ये दिस इज नॉट डॉट, तो ए इंटू टी टू एन बाई थ्री। तो पहले हमें यहां पे इसको n अपॉन समथिंग बनाना पड़ेगा, तो 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये जाके n बाई बी टाइप का एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो b की वैल्यू हमें 3 बाई 2 मिल जाएगी। तो a की वैल्यू यहां पे क्या है, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 बाई 3 नहीं होगा, 3 बाई 2 होगा, क्योंकि आप जनरल में आप देख सकते हैं कि ऊपर यहां n है और बाकी इसके डिवीजन में जो आएगा वो b है, तो इसके डिवीजन में लाने के लिए 2 को आपको नीचे लाना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू 3 बाई 2 एंड fn इज हियर, fn इज इक्वल टू 1। तो ये वाली वैल्यू मिल गई। तो हम सबसे पहले ध्यान रहे
सबसे पहले वी विल कैलकुलेट हर एक क्वेश्चन में यही करना है. नाउ कैलकुलेट n टू द पावर log a बेस b. तो n टू द पावर log a इज 1 बेस b इज 3/2. तो ये log 1 की किसी भी बेस पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तो दिस बिकेम n टू द पावर 0 एंड विच इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल चेक विच केस इज अप्लीकेबल. सो क्योंकि हम देख सकते हैं यहां पे fn जो फंक्शन है वो इसके इक्वल आ रहा है, n टू द पावर log a बेस b के इक्वल आ रहा है. तो ये यहां पे दिख भी रहा है, fn की वैल्यू 1 है, n टू द पावर log a बेस b की वैल्यू भी 1 है. और आप देख सकते हैं यहां पे कि सेकेंड इफ fn इज इक्वल टू थीटा n टू द पावर log a बेस b. तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब केस सेकंड अप्लीकेबल है और इसका आंसर जो होगा टी एन इक्वल टू थीटा एन टू द पावर लॉग ए बेस बी और इन टू लॉग एन होगा. तो इसलिए हम इस केस को अब अप्लाई कर देते हैं. क्योंकि एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1 सो सॉल्यूशन इज सोल्यूशन इज Tn इज इक्वल टू थीटा n टू द पावर log a बेस b इंटू log n बेस 2. बाय डिफॉल्ट इसका बेस 2 हम एज्यूम करते हैं. तो n टू द पावर log a बेस b की वैल्यू 1 आई है. तो ये है हमारा थीटा 1 इंटू log n बेस 2 एंड दिस इज इक्वल टू थीटा log n बेस 2 tn इज इक्वल टू. सो दिस इज द सोल्यूशन. नाउ वी कैन डू अनदर एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज सॉल्व द रिकरेंस यूजिंग जनरलाइज्ड मास्टर थ्योरम एंड रिकरेंस इज टी एन इज इक्वल टू 3t एन बाई 4 प्लस एन लॉग एन बेस 2. तो हमारा इस तरह से ये रिकरेंस है और इसे हमें जनरलाइज्ड मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे. अब तो हमें क्लियर हो गया है ए बी और एफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो हियर इट इज क्लियरली विजिबल दैट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड एफ एन इज इक्वल टू एन लॉग एन बेस 2. ये हमें ए बी और एफ एन की वैल्यू मिल गई. तो नेक्स्ट काम क्या है हमारा, एन टू द पावर लॉग ए बेस बी कैलकुलेट करेंगे. तो विच इज इक्वल टू एन टू द पावर लॉग ए इज 3 एंड बी इज 4. तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दिस विल लीड टू बिग ओ ऑफ एन टू द पावर 0.793. तो ये n की वैल्यू आप बिग O के फॉर्म में लिखें, थीटा के फॉर्म में लिखें, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है. अभी फिलहाल हमारी जो वैल्यू आ रही है n टू द पावर 0.793 आ रही है. नाउ यू कैन सी दैट कि दिस पावर इज लेस देन 1, सो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी लेस देन n टू द पावर 1. तो ये वाली वैल्यू हमारी पावर जो है 1 से कम है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा n से छोटा होगा. तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एन दिस फंक्शन और दूसरा n टू द पावर ये वाला फंक्शन. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि log n बेस b पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी और वो n से मल्टीप्लाई होगी. तो यहां पे मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की n हो गई,
एन की वैल्यू और बड़ी है तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर और आ जाएगा, और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू एन से कम है, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन लार्जर हुआ, एफ एन, एन टू द पावर लॉग ए, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। तो हमें ये कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा फंक्शन बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा फंक्शन होगा वही आंसर में आएगा। तो ये हमने देखा कि ये वाला फंक्शन बड़ा हो रहा है, इसका मतलब केस थर्ड लगेगा। केस थर्ड लगने का मतलब ये है कि हम साथ साथ कंडीशन भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा, बिग ओमेगा ऑफ एन टू द पावर लॉग ए प्लस एप्साइलन, ए की वैल्यू है 3 प्लस एप्साइलन और बेस बी इज 4, बेस बी इज 4। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एप्साइलन, वेयर एप्साइलन वी कैन टेक 0.2, 0.3, वी कैन आल्सो टेक एप्साइलन एज 1, वी कैन टेक द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एप्साइलन एंड मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो बिग ओमेगा ऑफ एन टू द पावर लॉग 3 प्लस 0.2 बेस 4, और इसकी जो वैल्यू आएगी लॉग बेस पे, अगर 4 भी होता, अगर हम एप्साइलन की वैल्यू 1 भी ऐड करते तो ये आता 3 प्लस 1, 4 लॉग 4 इज 1, तो ये ओमेगा ऑफ एन आता, और जो कि एन लॉग एन यानी कि एफ एन से छोटा होता। तो अभी हम देख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज लेस देन, दिस इज एन टू द पावर, दिस इज एन टू द पावर नॉट एन इन टू, सो दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 1। इसको आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे, 3.2 का बेस 4 पे लॉग जो होगा वो लेस देन 1 आएगा, तो इसलिए दैट इज n इंटू लॉग n बेस 2 इज ग्रेटर देन n टू द पावर लॉग 3.2 बेस 4। तो सो वी कैन हियर नाउ राइट द सोल्यूशन, tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एन, केस 3 इज वैलिड हियर, एंड एफ एन इज वॉट थीटा इंटू एन लॉग एन बेस 2, दिस इज द आंसर, टी एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग एन बेस 2। नाउ वी कैन डू वन मोर एग्जाम्पल, सॉल्व यूजिंग जनरलाइज्ड मास्टर थ्योरम, दिस टाइम रिकरेंस इज टी एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई 2 प्लस एन स्क्वायर, सो वी कैन डायरेक्टली डू दिस, ए इज व्हाट, ए इज 8, बी इज इक्वल टू 2 एंड एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वी हैव कंपेयर्ड विद दिस रिकरेंस विद द जनरल रिकरेंस इक्वेशन फॉर जनरलाइज्ड मास्टर थ्योरम, नाउ वी हैव टू कंपेयर द फंक्शन एफ एन विद एन टू द पावर लॉग ए बेस बी एंड फाइंड व्हिच वन इज लार्जर। सो we will calculate n to the power log a base b, so this is n to the power log 8 base 2, this is equal to n cube, और हमारा एफ एन जो है n square है और ये n cube है, इसका मतलब ये हुआ कि n to the power log a base b function is larger, और इसको हम condition के according test कर सकते हैं। तो here case first है if एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ
n to the power log a minus epsilon base b and put the value big O of n to the power log a is 8, epsilon consider it as 1 and b is 2. So this is big O of n to the power log 7 base 2. तो अगर यहां पे 4 होता 7 की जगह तो इसकी वैल्यू 2 आती। अब 7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट, एक तो आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक कर रहे हैं इसकी। तो अगर 4 होता तो इसकी वैल्यू 2 आती, तो इसका मतलब 4 से ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, 2.3। जैसे 4 से ज्यादा वैल्यू 5 6 7 हर एक केस में इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर आएगी। और 2 से ग्रेटर हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हमारा fn जो है वो n स्क्वायर है। तो इससे ये पता चल गया कि fn इज लेसर देन स्मॉलर फंक्शन देन दिस वन। सो इट इज ट्रू, वी कैन से fn इज बिग O, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। This condition is satisfied, that is we can say fn is smaller than big O of n to the power log 7 base 2. This means fn is bounded by big O. This means fn is bounded by या from above, bounded by or bounded from above by big O of n to the power log 7 base 2. So we can write the solution directly here. Tn is equal to theta of n to the power log a base b is the solution. So this will lead to tn is equal to theta of n cube. 8 base 2 पे इसका log जो है 3 होगा, तो this will result into theta n cube. Now we will do one more example. And after that we will see the cases where master theorem cannot be applied. So this is last example in this video. So Tn is 2 into T n by 2 plus n is our recurrence. Now to solve this we will find the value of constant which is a equal to 2, b equal to 2 and fn is equal to n. Now first we will calculate n to the power log a base b which is equal to n to the power log 2 base 2 which is equal to n. So we can also write it as theta n. So we can see here that both fn and n to the power log a base b both are equal. So both fn and n to the power log a base b are equal. This means case 2 is applicable. So we can directly write the solution. Tn is equal to theta n to the power log a base b into log n base 2 which is equal to n to the power log a base b is what, n to the power, this is n, so this will be theta n into log n base 2 tn, and this is the solution of this recurrence. Now in next video we will see the cases where master theorem fails.
दैट इज वी कैन नॉट अप्लाई द मास्टर थ्योरम।